एक एक्टर के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है जब उन्हें इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उनके द्वारा निभाया गया एक किरदार प्रसिद्ध है। एक इंसान जिनके बिना फिल्म जगत सूना सूना सा है, एक इंसान जिनके बोलने की स्टाइल गजब थी, एक इंसान जिनके एक कैरेक्टर ने अमिताभ साहब की शराबी फिल्म को हिट कर दिया था। तो आप समझ गए होंगे कि आज मैं आरजे अनामिका लेकर आई हूँ लेजेंडरी कैरेक्टर एक्टर ओम प्रकाश साहब की कहानी आपके अपने चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज पर। ओम प्रकाश साहब का नाम लेते ही याद आ जाती है उनकी फिल्में। नमक हलाल फिल्म में उनके दद्दू की भूमिका, पूरब और पश्चिम फिल्म में उनका वो सीन जहां विदेशी मुल्क में अपने दामाद को वापस ले जाने के लिए आ जाते हैं, गोपी फिल्म में दिलीप कुमार के बड़े भाई के रूप में उनका वो किरदार मन मोह लेता है, बुढ़ा मिल गया और चुप चुप के जैसी फिल्मों में उनकी अजरामर भूमिका, दिल अपना और प्रीत पराई फिल्म में रोगी बने ओम प्रकाश मीना कुमारी को तंग करते दिखते हैं, अमर प्रेम फिल्म में उनकी बंगाली किरदार राजेश खन्ना को टक्कर देता है। बॉलीवुड में ऐसे बहुत से दिग्गज अभिनेता हुए जो भले ही आज इस दुनिया में ना हो पर उनकी अदाकारी और इंडस्ट्री में उनके योगदान का मुकाबला अब भी कोई नहीं कर सकता। कुछ ऐसे ही अंदाज था कैरेक्टर एक्टर ओम प्रकाश का। उन्हें आज भले ही इंडस्ट्री ने भुला दिया हो लेकिन एक दौर वो भी था जब हर दूसरी फिल्मों में ओम प्रकाश नजर आते थे। उन्होंने कई हिट फिल्मों में अपनी छाप छोड़ी। अभिनेता ओम प्रकाश का जन्म 19 दिसंबर 1919 को विभाजन से पहले भारत के लाहौर अब पाकिस्तान में हुआ था। उनका पूरा नाम ओम प्रकाश छिब्बर था। ओम प्रकाश के पिता एक अमीर किसान हुआ करते थे जिनकी कई एकड़ जमीनें थी और उनकी देखरेख वो खुद ही करते थे। लाहौर और जम्मू जैसे क्षेत्र में उस दौर में उनके कई बड़े बंगले भी थे लेकिन ओम प्रकाश को दौलत का मोह कभी नहीं रहा। उनका मन हमेशा से अभिनय के लिए धड़कता था। ओम प्रकाश शुरुआती दौर में रामलीला में भाग लिया करते थे। उन्होंने स्टेज पर सबसे पहला एक्ट रामलीला में ही किया था जिसमें उनका किरदार सीता का था। वर्ष 1937 में उन्होंने एक आरजे के रूप में ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया जहां उन्हें मासिक 25 रुपए सैलरी मिलती थी। उनका ये रेडियो शो लाहौर और पंजाब में काफी पॉपुलर हुआ था। ओम ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1942 में की थी। इसके बाद वर्ष 1950 से 1980 तक उन्होंने सपोर्टिंग एक्टर के रूप में कई यादगार किरदार निभाए जिसके लिए उन्हें कई अवार्ड्स भी मिले। ओम प्रकाश साल 1964 में रिलीज हुई फिल्म जहां आरा के प्रोड्यूसर भी रहे। उन्हें अपने करियर की पहली फिल्म के लिए मात्र 80 रुपए तनख्वाह के रूप में मिली थी। वो उस दौर की एक साइलेंट फिल्म थी जिसमें उन्होंने बहुत ही छोटा सा किरदार निभाया था। शुरुआती दिनों में चरित्र अभिनेता ओम प्रकाश को उतनी लोकप्रियता नहीं मिल पाई थी लेकिन वर्ष 1949 में उन्होंने एक फिल्म में लखपति नाम के विलन का किरदार निभाया था जो कि सिनेमा प्रेमियों के बीच काफी पॉपुलर हुआ। इसके अलावा ओम प्रकाश को क्लासिकल म्यूजिक का भी जबरदस्त शौक था। वे अमिताभ बच्चन के साथ शराबी, जंजीर, नमक हलाल, अलाप, परवाना, दो और दो पांच, चुपके चुपके जैसी फिल्मों में नजर आए थे। इसके अलावा ओम प्रकाश ने चमेली की शादी, साधु और संत, तेरे घर के सामने, आंधी, लोफर, परोसन, हावड़ा ब्रिज, घर घर की कहानी, सास भी कभी बहू थी, मेरा नाम जोकर, पूरब और पश्चिम, नौकर बीवी का और अमर प्रेम जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। 21 फरवरी 1998 को 80 साल के उम्र में दिल का दौरा पड़ने की वजह से ओम प्रकाश ने मुंबई के लीलावती अस्पताल में आखिरी सांस ली और इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया।